बड़ी नहर के ऊपर झांसी रेलवे लाइन के बगल में सुबह करीब 7 बजे वहां से गुजर रहे राहगीरों द्वारा पटरी किनारे एक किशोर का शव देखा गया, जिसकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसकी सूचना पाकर पुलिस ने शव की पहचान कराकर परिजनों को बुलाया। परिवारजनों में बेटे की मौत की खबर मिलते ही कोहराम मच गया। मृतक का परिवार गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी जे ब्लॉक में किराए का मकान लेकर रहते थे। अभी 7 दिन पहले ही मृतक गगनदीप ने प्राइवेट फैक्ट्री में काम करना शुरू ही किया था, जिसका अज्ञात कारावास रेलवे लाइन किनारे शव मिला है। ये फोन कोई कर रहा था मोहल्ले में, कोई यहाँ घर पे कोई गया बताया तो कोई घर पे मैं ढूंढने गया तब मिले। कई बजे पता चला आपको? हमको तो देर में पता चला, कूड़ा भी नीते रहे हम काफी देर में पता चला। क्या नाम क्या था इसका? इसका संतोष सोनी। क्या काम करते हैं आप? कूड़ा उड़ा बीन के जी रहे हैं, इस समय अलग रहते हैं इनसे, लेकिन अब यह है कि परिवार साथ रहता है। ये क्या करते हैं? ये लोग कबाड़ी के यहाँ काम करते हैं, संजक दारू पी के सब उड़ाते हैं, बीबी को मारते हैं। अभी 4 दिन पहले बंद हुआ था, और कल उसने 1000 बीबी के कहने पर रुपया दे दिया, 3000 पहले भी दिया था, तो वो पीने निकल गया तो कह रही रोटी के ठिकाने नहीं है तो तुम क्या पैसा दे दो, तो उसी को बुला दिया, तो जब उसको बुला दिया तो ये जो है अपना वो पैसा ले लिया, उसी को ले करके हमेशा उसको मारता है गरियाता है। अभी 4 दिन पहले थाने में भी बंद था, महकमा भी समझाया, पुलिस महकमा EDM ऑफिस भी समझाता रहा, ये कभी मानता नहीं, दसियों बार जेल गया, बंद रहा 10-15 दिन, 10-10 दिन बहन बिटिया छोड़वाती रही, हम भी हम परेशान हो जाते हैं भैया हम क्या करें, हमें रिक्शा चला के कमाया खिलाया बच्चे बड़े। कितने लड़के हैं आपके? कितने लड़के हैं? 3 है, तीनों ऐसे करते हैं। ये सबसे छोटा वाला है? सबसे छोटा वाला है।